वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिजिक्स क्लास 10 जो है उसका चैप्टर 4, जिसको के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसको स्टार्ट से शुरू करवाने लगा हूँ। और अगर आप मेरे साथ इस चैप्टर को साथ साथ इसकी वीडियोस देखते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको इस चैप्टर की समझ बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर हमारा 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स क्लास 10 के अंदर। तो इलेक्ट्रो मींस, ये वर्ड जो इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो मींस चार्ज और स्टैटिक मींस एट रेस्ट। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करना चाहें, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। ये तो रही स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमें अक्सर जेहन में आता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कैसे आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई काम हो जिसको कंघी कहते हैं प्लास्टर की, उसको अगर इंसान बालों के अंदर थोड़ा सा रगड़ के, तो कागज़ के छोटे छोटे बारीक टुकड़े होते हैं उनके पास अगर ले जाए, तो कंघी जो है उन कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। और हम उस कंघी की इस कैपेबिलिटी को या इस सलाहियत को हम सिंपली ये कहते हैं कि कंघी के ऊपर कोई चार्ज आ गया। अब हम देखते हैं कि हम चार्जेस को चूंकि स्टडी करने लगे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे हेडिंग जो फर्स्ट होगी, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, कि किसी भी चीज के ऊपर चार्ज किस तरीके से बनता है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हमारे पास एक रॉड है जो कि प्लास्टिक का है और इसको हमने फर जो है, जानवरों की स्किन होती है उसके ऊपर बाल वगैरह होते हैं, उस फर के साथ, फॉर एग्जांपल ये मेरा ये हाथ जो है ये फर है और ये प्लास्टिक का रॉड है, तो इसको अच्छे तरीके से मैं अगर रबिंग कर दूंगा, तो रबिंग करने के बाद जब इस प्लास्टिक रॉड को मैं किसी धागे की मदद से ऐसे बांध देता हूं छत के साथ, ये हैंग करना शुरू कर देता है। अगर ये डी स्टूडेंट से चार्ज हैंग कर रहा हो और मैं इसी सिचुएशन के अंदर एक और प्लास्टिक का ही रॉड लेता हूं और उसको फर के साथ रबिंग अच्छे तरीके से करके, तो मैं इस हैंग किए हुए प्लास्टिक रॉड के करीब इस प्लास्टिक रॉड को लेके आता हूं, तो मैं देखूंगा कि वो दूसरा वाला जो रॉड है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर जाना शुरू हो जाएगा। यानी इस चार्ज की मौजूदगी में इस चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी और इस रिपल्शन की वजह से वो वाला रॉड दूर भागने की कोशिश करेगा। एक तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर बात क्लियर होगी कि एज बोथ द रॉड्स आर ऑफ प्लास्टिक एंड बोथ आर रब्ड विद फर, सो सेम टाइप ऑफ चार्ज इज ऑन बोथ द रॉड्स एंड इफ यू ब्रिंग टूगेदर दीज टू चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर। फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड दैट सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो एक तो हमें यह पता चल गया कि प्लास्टिक रॉड्स थे दोनों को फर से रब किया गया
और दोनों के ऊपर चार्ज आ गया और दोनों के ऊपर एक जैसा ही चार्ज होगा क्योंकि मटेरियल भी सेम है और जिसके साथ रबिंग हुई वो भी सेम है, तो सेम टाइप ऑफ चार्जेस ने आपस में क्या बिहेवियर किया कि दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। अब ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, एग्जाम्पल को चेंज करते हुए कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम एक रॉड तो प्लास्टिक का रखते हैं और दूसरा जो रॉड है वो उसका मटेरियल है जी ग्लास, और यहां पर एक कपड़ा हमारे पास है जो कि है सिल्क। तो हमने इस ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ उसकी अच्छे तरीके से रबिंग की, और जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करें एक साइड पे और दूसरा प्लास्टिक रॉड जो है उसको फर के साथ रब करें, तो आए देखते हैं कि इन दोनों का आपस में बिहेवियर क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर एक राड को आप धागे के साथ किसी ऊंची जगह से बांध दें और दूसरा राड इसके करीब लाएं तो ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे के करीब आ जाएंगे ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये इनका करीब आने का मतलब ये तो हो गया कि चार्ज मौजूद है, और करीब आना यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना इस चीज को क्लियर करता है कि दोनों सेम चार्जेस नहीं हैं बल्कि दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। और कन्वेंशनली इसको एक चार्ज को हम आमतौर पे पॉजिटिव चार्ज जबकि दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, तो इसमें यह तो पता चल गया कि चार्जेस हमेशा दो टाइप्स के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज होगा। और वेन एवर वी ब्रॉट टू रॉड्स ऑफ अपोजिट चार्जेस दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड वेन एवर वी ब्रिंग टू रॉड्स हैविंग सेम चार्ज दे विल रिपेल ईच अदर, और एक दूसरे से दूर दूर होते चले जाएंगे। यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमारे एक जेन में बात आती है कि ये रबिंग से चार्ज किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं। आई होप यू विल लाइक दिस एग्जाम्पल। कि फर्ज करें कि अगर हमारे पास ये प्लास्टिक का रॉड है और ये एटम्स का बना हुआ है, और एटम्स अगर होते हैं तो एटम्स किसी भी जगह पे मौजूद हों या उनका बल्क मटेरियल के अंदर मौजूद होना एटम्स का, उसमें एक चीज कंफर्म होती है कि जितने उसके एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एटम के आउटर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम रख लेते हैं कि इस रॉड के अंदर प्रोटॉन्स भी 100 और इलेक्ट्रॉन्स भी 100, एज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑफ इक्वल क्वांटिटी सो इट इज न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा ओवरऑल जो देखा जाए। अब अगर हम ये फर जो है फर की एग्जांपल भी लेते हैं तो इसके ऊपर भी प्रोटॉन फर्ज कर लेते हैं 100 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 100 है, तो ये फर भी न्यूट्रल है क्योंकि जब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किसी मटेरियल में एक जितने हों तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब इन दोनों को आपस में रबिंग की जाती है तो रब करने से ये होता है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं और आसानी से अपने एटम को छोड़कर भाग जाने की पोजीशन में होते हैं और आसानी से छोड़कर चले जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनके इलेक्ट्रॉन्स दे आर टाइटली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस और वो अपने न्यूक्लियस को छोड़कर कहीं नहीं जाते, तो जब भी रबिंग होती है तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मटेरियल के वो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे की तरफ। फर्ज करें कि यहां से अगर मैं कहूं कि इधर से 10 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पर रबिंग के दौरान में ट्रांसफर हो गए,
तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए तो यहां पर तदाद रह जाएगी, हो जाएगी 110, और यहां से चूंकि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स उधर से इधर ट्रांसफर हुए हैं ड्यूरिंग रबिंग, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स रह गए 90। अब ऑब्वियसली व्हेन यू सी दैट प्रोटॉन्स आर इन ग्रेटर क्वांटिटी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, सो द रॉड विल अक्वायर पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स। और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होगी प्रोटॉन्स की निस्बत, तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा जी नेगेटिव। हम इस सारी सिचुएशन के अंदर हम जब दो चीजों को रब करते हैं तो हम एग्जाम्पल चूंकि रॉड की देंगे, इसके साथ जो मटेरियल फर वगैरह है उसको हम जो है ना उसको स्टडी नहीं कर रहे होते। लिहाजा ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो आप ये समझें कि प्रोटॉन तो 100 सेम रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अगर किसी भी रॉड के ऊपर बिलफर्ज नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि इसी एग्जांपल में इसको कंसीडर करते हैं कि इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की रीजन बेसिकली ये होती है कि अगर प्रोटॉन उसमें 100 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लाजमी तौर पर 100 से ज्यादा यानी 120 या 130 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स 30 मोर है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तो इन्हीं 30 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको इस चीज का पता चल गया कि प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस कैसे होती है, कि जब भी दो चीजों को आपस में रबिंग करते हैं तो एक के लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दूसरी मेटल के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, तो जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर नेगेटिव चार्ज, और जिधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये चीज हमारी इस तरीके से पता चलता है कि चार्जेस किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आते कैसे हैं। यहां पर अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम चलते हैं जी एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, कि पॉइंट नंबर 1 जो है वो ये है कि चार्जेस के अगर पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की के उसके अंदर चार्जेस मौजूद होते हैं। अगर इक्वल हो तो न्यूट्रल कंसीडर होता है, अगर कम या ज्यादा एक की तादाद हो तो फिर उसके ऊपर चार्ज मतलब जो है ना शो हो जाता है। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, बेसिक प्रॉपर्टी। दूसरी बात मैंने ये की कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रबिंग की जाती है तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इफ वी रब टू ऑब्जेक्ट्स देन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरा वाला डेफिनेटली कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज। तीसरी बात यह है कि अगर दो प्लास्टिक रॉड को फर्क के मटेरियल से रबिंग की गई तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज अगर दो रॉड्स के ऊपर आता है तो उसके लिए हम वर्ड फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं लाइक चार्जेस। If both the rods have the same charge, then we can say that there is like charges on both the rods. तो जो like charges होते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया आपको कि like charges always repel each other. Like charges यानी दो same charges अगर होंगे कहीं पर पड़े हुए तो they will repel each other.
और फोर्थ वाला है कि अगर एक ग्लास राड को फर से और ग्लास यानी प्लास्टिक राड को फर से और ग्लास को सिल्क के साथ रब करें तो डिफरेंट चार्जेस यानी अट्रैक्शन शो होती है, तो हम समझेंगे कि ये दोनों चार्ज अपोजिट है एक दूसरे के, जिनको हम फिजिक्स में अनलाइक चार्जेस कहते हैं, अनलाइक चार्जेस। और ये हमें आज की वीडियो से पता चल गया कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें फिफ्थ पॉइंट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई पर्सन मुझे ये मार्कर पकड़ाता है, कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज मौजूद है या कि नहीं, मैं इस जो राड जिसको चेक करना है कि इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है या कि नहीं, मैं उसके लिए ये वाइट बोर्ड को किसी मटेरियल से रब करके इसके ऊपर चार्ज बिल्ट अप कर लेता हूं। चार्ज बिल्ट अप होने के बाद याद रखिएगा कि अगर इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर चार्ज मौजूद है और ये मार्कर के ऊपर अगर चार्ज मौजूद ना भी हो, तब भी करीब ले जाने से हमें फील होगा कि व्हाइट बोर्ड विल अट्रैक्ट दिस मार्कर, क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स जरूरी नहीं कि सिर्फ अनलाइक चार्जेस के वजह से ही हो, बल्कि अट्रैक्शन जो होती है दो मटेरियल्स की आपस में, उसके अंदर अगर एक चार्ज बॉडी हो दूसरी न्यूट्रल भी हो तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लिहाजा अगर यहाँ पे अट्रैक्शन फील होगी मुझे कि अट्रैक्शन हो रही है, तो मैं इससे ये डिसाइड नहीं कर सकता कि 100% कि इसके ऊपर चार्ज मौजूद है कि नहीं चार्ज मौजूद। क्यों? कि अगर इसके ऊपर चार्ज ना भी हुआ तब भी ये अट्रैक्ट होगा, और अगर ये अपोजिट चार्ज है तब भी अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्शन से ओनली वी कैन से दैट दिस मार्कर मे आर मे नॉट हैव चार्ज, यानी हो सकता है कि चार्ज हो भी और हो सकता है कि चार्ज ना भी हो। सो अट्रैक्शन ऑफ टू मटेरियल्स डज नॉट इंश्योर दैट दिस ऑब्जेक्ट हैज एनी चार्ज ऑन इट, बट इफ यू मूव दिस मार्कर टूवर्ड्स व्हाइट बोर्ड एंड देर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, और ये मार्कर को मैं महसूस करूं कि ये आस्ता आस्ता व्हाइट बोर्ड इसको धक्का दे के पीछे कर रहा है, तो रिपल्शन होती ही तब है जब बोथ द बॉडीज हैव चार्जेस और दोनों चार्जेस की टाइप सेम हो, यानी लाइक चार्जेस हो। तो फिफ्थ पॉइंट जो था इंपॉर्टेंट उसमें यही था कि ओनली द रिपल्शन शो करती है, अगर रिपल्शन फील हुई तो मार्कर के ऊपर मस्ट चार्ज मौजूद है। टाइप की इसकी हम बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ एनी बॉडी के उसके ऊपर चार्ज मौजूद है, और अगर अट्रैक्शन हो तो फिर उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि चले व्हाइट बोर्ड तो कंफर्म्ड चार्ज था, अट्रैक्शन हुई तो मार्कर अट्रैक्शन की वजह से सिंपल होता है, डाउट में आ जाता है, मे आर मे नॉट बी चार्ज, बट रिपल्शन शो दैट मार्कर हैज डेफिनेटली एनी टाइप एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज ऑन इट, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं और डिटेल से टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करूंगा। और नाजरीन, अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आए तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस को भी देखें, और इसको भी एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपका ये टॉपिक आई एम श्योर कि ये बिल्कुल कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर मेरी कोशिश पसंद आई, और कमेंट्स के अंदर भी शो कीजिएगा। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं उसको क्लियर कर दूंगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।